दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक पॉली और एक मोनो पैनल दोनों के बीच का कंपैरिजन करने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा पैनल। तो मेरे पास ये दोनों पैनल जो आप देख रहे हैं, दोनों 12 वोल्ट और 50 वाट के दोनों पैनल है। एक पैनल पॉली क्रिस्टलाइन है और दूसरा मोनो क्रिस्टलाइन है। जो आप लेफ्ट साइड की ओर उधर पैनल देख रहे हैं, ये पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है, और इधर की साइड जो देख रहे हैं, ये मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है। तो आप इन्हें इजीली देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनो क्रिस्टलाइन पैनल में ये जो आपको डायमंड कट आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का, और इनका कलर जो होता है वो डार्क ब्लैक होता है। और दूसरी ओर ये जो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल होते हैं, इनका जो कलर होता है वो ब्लूइश टाइप में कलर होता है इनका। तो सबसे पहले इन दोनों पैनल को मैं एक ही लाइटिंग कंडीशन में फ्लैट जगह पर रखूँगा, और दोनों के आउटपुट करंट और वोल्टेज दोनों को मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लें, ये जो दोनों पैनल है 50 वाट के, इधर ये जो मोनो वाला पैनल है ये देख लें, और इधर की ओर जो है ये पॉली पैनल है, इसको मैं दिखा देता हूँ करीब से। तो देख लीजिए, दोनों 50 वाट का ही पैनल है। और जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ ये भी 1 mm साइज का, सेम लंबाई का है वायर। और इधर भी जो वायर यूज कर रहा हूँ वो भी 1 mm का और सेम लंबाई का है ये वायर। तो दोस्तों, इन दोनों पैनल को मैंने सेम लाइटिंग कंडीशन में एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके वोल्टेज और करंट दोनों को आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मोनो पैनल का वोल्टेज और करंट दोनों टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं मीटर को 200 वोल्ट DC के रेंज पर रख दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, इस मोनो पैनल का वोल्टेज है 20.9 वोल्ट है, लगभग 21 वोल्ट के आसपास में है, ठीक है। अब इसके करंट को मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं करंट 1.49 एम्पियर के आसपास में आ रहा है। तो हम लोग इसका वाटेज भी चेक कर ले रहे हैं, कितना वाटेज जो है हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 21 वोल्ट मिल रहा था, और एम्पियर जो है 1.49 मिला है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना वाटेज अभी प्रोड्यूस हो रहा है इस पैनल से। तो मैं आपको मोनो पैनल का वाटेज कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। तो इससे 21 वोल्ट हाईएस्ट निकल रहा था, उसको 1.49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वाटेज निकल जाएगा। तो अभी सेम लाइटिंग कंडीशन में लगभग 31.29 वाट प्रोड्यूस हो रहा है। अब पॉली पैनल को हम लोग चेक करते हैं। और अब इस लेफ्ट साइड की ओर पॉली पैनल का मैं वोल्टेज और करंट दोनों चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो वोल्टेज देख लीजिए, 17.4 आ रहा है वोल्टेज, और करंट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो करंट लगभग 1.91 एम्पीयर आ रहा है। तो अब मैं पॉली पैनल का वोल्टेज आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो पॉली पैनल का वोल्टेज जो था मैक्सिमम वो 17.4 वोल्ट था, और करंट 1.91 एम्पीयर था। तो लगभग 33.23 वाटेज ये आउटपुट में दे रहा, और जो मोनो पैनल का था उसका 31.29 था। तो लगभग लगभग सेम ही है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। अब हम लोग एक डार्क कंडीशन में इन दोनों के पावर को टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं दोनों पैनल्स को लेके आ गया हूँ एक डार्क एरिया में, और अब मैं दोनों के वोल्टेज और करंट को आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस मोनो पैनल को टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसका वोल्टेज और करंट। तो इस मोनो पैनल का वोल्टेज देख लीजिए, 20 वोल्ट आ रहा है, और करंट को भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो करंट लगभग 0.14 एम्पियर आ रहा है। अब दोनों को कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे कि कितना वाट प्रोड्यूस हो रहा है। तो लगभग 2.8 वाट इस मोनो पैनल से प्रोड्यूस हो रहा है डार्क कंडीशन में। अब मैं पॉली पैनल का आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं, इस पॉली पैनल का वोल्टेज 16.7 वोल्ट है। अब इसके करंट को मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो करंट आप देख लीजिए, 0.16 एम्पियर है। तो देखिए, ये पॉली पैनल का वोल्टेज जो है 16.7 वोल्ट था, और करंट 0.16 एम्पियर था। तो इससे वाटेज जो निकल रहा वो 2.67 निकल रहा था, और जो मोनो पैनल था उसका वाटेज जो है वो 2.8 वाट निकल रहा था। तो हालांकि इन दोनों के आउटपुट का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मोनो पैनल है ये पॉली पैनल से ज़्यादा ही एफिशिएंट होता है, और बारिश के दिनों में इससे 22% ज़्यादा लगभग आउटपुट आपको ये देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये पॉली पैनल और मोनो पैनल का कंपेरिजन वीडियो? और आपका अगर कोई सुझाव होगा, कोई अगर क्वेरी होगी आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।